चलिए गुड मॉर्निंग वंस अगेन। टॉपिक इज सेट्स, सम क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज आर ऑलरेडी सॉल्व्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 9। 9 तक कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलिए, क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलिए तब क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स देखिए, मिसलेनियस चैप्टर 1। मिसलेनियस चैप्टर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। So that A intersection B is equal to A intersection C need not implies B is equal to C. Given है A intersection B is equal to A intersection C और हमें प्रूव करना है कि B और C इक्वल नहीं है। कंटिन्यू। देखिए जहां भी हमें प्रूव करना होता है कि नॉट इक्वल है, जहां इक्वल है वहां तो हमें प्रॉपर्टी से प्रूव करना पड़ता है, लेकिन हमें ये बताने के लिए कि इक्वल नहीं है एक काउंटर एग्जाम्पल ही काफी है। अगर आपको ऐसा काउंटर एग्जाम्पल दे दें जो ये प्रूव कर दे कि ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन बी और सी इक्वल नहीं है, दैट इज सफिशियंट। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ढूंढेंगे। स्लैब, कोई भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। वही सिंपल एग्जाम्पल ले लिया हमने, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, अब बी और सी हमें इस तरीके से लेने हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल हो। तो हमने ए लिया 1 2 3 4, हमने बी इज इक्वल टू लिया 2 3 6 और सी इज इक्वल टू लिया 2 3 7। ठीक है, हाँ बिल्ली बोलियो। टर्म इंटरसेक्शन बी इन एग्जांपल्स के लिए, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हुआ? इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन क्या है? 2 3। फिर ऐसे ही हमने ए इंटरसेक्शन सी निकाला, ए इंटरसेक्शन सी क्या है दोनों में कॉमन, यानी 2 3। देखिए दोनों इक्वल हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, लेकिन क्या बी और सी इक्वल है? बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, बस यही सफिशियंट है। हमने काउंटर एग्जाम्पल दे दिया कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है लेकिन बी और सी दोनों इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स सो दैट ए इज इक्वल टू बी। प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी तो हमें प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। अगर प्रूव करना होता ए इज नॉट इक्वल टू बी तब काउंटर एग्जाम्पल सफिशियंट था, तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गिवन क्या है हमें? गिवन है कि ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स और इज इक्वल टू 5 और आल्सो ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ठीक है, जैसे हमने इसमें किया था ए ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए में प्रूव किया था। कौन सा क्वेश्चन था? बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन था थर्ड वाला, बिल्कुल सेम टू सेम। वहां भी हमने साथ में यूनियन लगाया था, यहाँ भी हम साथ में यू इंटरसेक्शन लगाएंगे। जैसे हमारे पास गिवन है प्रूफ, बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह गिवन है कि ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। हमने क्या किया? दोनों का ए के साथ इंटरसेक्शन लगा दिया, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। दोनों तरफ हमने ए का इंटरसेक्शन किया। अब ए में और ए यूनियन एक्स में सिर्फ कॉमन क्या हुआ? ए ओनली, और इज इक्वल टू, यह हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। क्या मिला? ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। तो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स इज गिवन 5 और 5 का किसी के भी साथ यूनियन सेम वही सेट, इक्वेशन नंबर 1, यानी ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है। अगेन हमने फिर दोबारा वही लिखा, अगेन ए यूनियन एक्स इज गिविन बी ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब की बार हमने इसका इंटरसेक्शन कर दिया बी के साथ, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। B का B यूनियन X के साथ इंटरसेक्शन B, क्योंकि दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है? B है। यहां एक्सपेंड कर दिया, तो B इंटरसेक्शन A और यूनियन B इंटरसेक्शन X, लेकिन गिवन है B इंटरसेक्शन X भी 5 है,
तो इज इक्वल टू बी यूनियन ए और यूनियन फाई और इज इक्वल टू बी, फाई का किसी के भी साथ यूनियन, अगेन वही सेट बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी, लेकिन दो सेट का इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है, इफ वी राइट बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी बोथ आर सेम थिंग, सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी सेकेंड, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल था, सेकंड में क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल हुआ, इंप्लाइज बोथ आर सेम, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इज इक्वल टू बी, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर दिस वन विच इज 11, बोथ आर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए आर नॉन एम्प्टी व्हाइल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। फिर वही काउंटर एग्जांपल देंगे हम, क्या करेंगे हम ऐसे एग्जांपल दे देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन सी सब एग्जिस्ट करेंगे लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए अपनी मर्जी, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर है 12, लेट, हमने भी वही किया, ए को कोई भी सेट मान लिया कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी 1 4, सी 2 5, ठीक है। अब देखिए क्या मिलेगा हमें, ए अच्छा बी इंटरसेक्शन सी में भी तो कॉमन लेना है, 1 2 5 के लिए इसको, ये 1 2 3, ये 2 3 और ये 3 4, नहीं 3 नहीं लेना है, 2 भी नहीं लेना है, ये 1 2 3, ये 2 4, इन दोनों में कॉमन, ये 4 5 और 3 3 4 5। अब देखिए ठीक है, अपनी मर्जी उस तरीके से एग्जांपल को सेट करना है कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन होता है ये क्या है 2, ठीक है। फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है 4। फिर सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए में क्या कॉमन है 3, लेकिन क्या तीनों में कुछ कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, इसका मतलब 5, यानी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए सब नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, सब में कोई ना कोई एलिमेंट्स है, व्हाइल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बेस्ड है, ठीक है। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन थे प्रॉपर्टी बेस्ड, जिनको हमने प्रॉपर्टी यूज करते हुए सिंप्लीफाई किया। अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 13-16 है, दैट आर न्यूमेरिकल बेस, न्यूमेरिकल बेस जो फॉर्मूले हमने पहले पढ़ाए थे, एन ए माइनस बी का, एन बी माइनस ए का, ठीक है, एन ए यूनियन बी का और एन ए यूनियन बी यूनियन सी का। इसके अलावा आप एक स्पेशल मेथड और सीखेंगे यूजिंग वेन डायग्राम, कि आप वेन डायग्राम की हेल्प से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सर्वे 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 150 आर टू बी फाउंड टेकिंग की, तो हमने ये मान लिया कि की वाले टी से रिप्रेजेंट किए, तो नंबर ऑफ टी पसंद करने वाले कितने हुए, 150। क्वेश्चन नंबर 13, 225 टेकिंग कॉफी, तो एन सी, सी का मतलब कॉफी, इज इक्वल टू 225। 100 वर टेकिंग बोथ, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 100। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, आइदर और नहीं पूछा है, नाइदर नॉर पूछा है। हम पहले निकालेंगे क्या आइदर और उसको माइनस कर देंगे किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से, है ना। तो हमने पहले एन टी यूनियन सी निकाला, तो इज इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, एन टी 150, एन सी 225, एन टी इंटरसेक्शन सी 100,
यानी कितना मिला 50, यहाँ 325। ये वो आए जो या तो चाय पसंद करते हैं या कॉफी। टी यूनियन सी का मतलब क्या है? आइदर टी और कॉफी, हमें निकालना है नाइदर टी नोर कॉफी। इसका मतलब जो बच गए सारों में से, इनको छोड़ के जो बच गए वो ना तो चाय पसंद करते हैं ना कॉफी। इसका मतलब एन टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू एन यू और माइनस एन टी इंटरसेक्शन टी यूनियन सी। देखिए किससे, एक चीज और देखिए, डिमोर्गन लॉ से। डिमोर्गन लॉ क्या कहता है कि एन टी डैश यूनियन इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू क्या है, एन टी यूनियन सी का होल डैश। क्या है डिमोर्गन लॉ कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल डैश, और ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। हमें निकालना है ना तो चाय ना तो कॉफी, तो हमने क्या किया डिमोर्गन लॉ यूज किया, टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश को टी यूनियन सी का होल डैश, और होल डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट में से माइनस। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यानी कितने कुल थे, कुल कितने थे 600, माइनस टी यूनियन सी क्या हुए 325, 325 माइनस कर दिए कितने मिले 275, यानी 275 ऐसे लोग हैं 600 में से जो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफी। ध्यान रखना है नाइदर नोर का मतलब टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश होता है, यानी ना तो ए ना तो बी, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और वो एन ए यूनियन बी के होल डैश या यू माइनस एन टी यूनियन सी के इक्वल होता है। फॉर्मूले कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स टेक हिंदी नो हिंदी 50 नो इंग्लिश 25 नो बोथ ईच ऑफ स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप। तो सिंपल क्वेश्चन एकदम, एन ए यूनियन बी निकालना है। तो 14 अपने आप कर लेंगे। अब देखिए 15 और 16 दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हालांकि अब एग्जाम में आ भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि आपके में से डैश और सब्ट्रैक्शन को फिनिश कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है सिलेबस में, और इन दोनों में उसका थोड़ा थोड़ा यूज है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ बाय चांस आपको इन फ्यूचर कहीं जरूरत पड़े। और वैसे भी क्योंकि इसी में मुझे उनको वेन डायग्राम सिखाना है तीन वाला, ये तीन वाले एक ही वेन डायग्राम से किस तरीके से आसानी से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो देखिए तीन वाले क्वेश्चन वेन डायग्राम से सबसे आसानी से सॉल्व होते हैं बजाय फॉर्मूले के। गिवन है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज पेपर एच, तीन न्यूज पेपर है हमारे पास एच टी और आई, तो मैं तीन सर्कल्स यानी तीन सेट्स के लिए वेन डायग्राम बनाऊंगा। ये मेरे पास मान लीजिए न्यूज पेपर एच, ये मान लीजिए मेरे पास न्यूज पेपर टी, और ये मान लीजिए मेरे पास न्यूज पेपर आई। ठीक है, ये एच न्यूज पेपर है, ये टी न्यूज पेपर है, और ये आई न्यूज पेपर का सेट है। अब इसमें जो भी एलिमेंट्स जहां जहां मेरे पास पार्टीशन है मैं उन सबको स्मॉल ए बी सी डी करके लिख लूंगा। मान लीजिए स्मॉल ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी, जितने भी पार्ट सर्कल के बन गए हैं सबको स्मॉल अल्फाबेट से अलग अलग लिख लूंगा। अब जो जो इसमें गिविन है वो लिखता जाऊंगा। देखिए 25 पीपल रीड न्यूज पेपर एच, एच का मतलब है जो एच के अंदर आ रहे हैं सारे, इसका मतलब ए बी सी डी एन एच, एन एच का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, और इज इक्वल टू कितना गिवन है हो गया 25। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन 26 रीड न्यूज पेपर टी, टी में कौन कौन से आ रहे हैं बी सी ई एफ, तो बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ और इज इक्वल टू 26। आई, आई में कौन कौन है सी डी जी एफ, तो सी प्लस डी प्लस एफ और प्लस जी इज इक्वल टू कितना गिवन है 26। नाइन रीड बोथ एच एंड आई, अब एच और आई में कॉमन देखिए, ये हमारे पास H का सर्कल और ये I का, COD कॉमन है, इसका मतलब H और I का मतलब COD, तो COD इज इक्वल टू 9। फिर 9 रीड बोथ H एंड I, ठीक है, H और I का 9 हो गया। फिर 11 रीड H एंड T, H और T में कॉमन, इस सर्कल में और इस सर्कल में B और C, यानी B प्लस C इज इक्वल टू 11।
फिर उसके बाद आपका तो गया 9 रीड HT 11 रीड बोथ HNT 8 रीड TNI। टी और आई में कॉमन, टी और आई में क्या क्या कॉमन है, सी और एफ, तो सी प्लस एफ इज इक्वल टू कितना गिवन है अगेन 8। एंड 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। अब एक ऐसा अल्फाबेट जो तीनों में है, सी ए में भी है, एच में भी है, आई में भी है और टी में भी है। सी क्या है, तीनों में कॉमन, यानी सी इज इक्वल टू कितना गिवन है 3। ठीक है, अब ये उल्टा सॉल्व होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन में आपसे एक ही पार्ट पूछा जाता है तब तो आपके लिए आसान होता है कि आप सीधा फॉर्मूला पुट करें और उसको सॉल्व कर दें, लेकिन अगर मल्टीपल पार्ट पूछता है, ये नहीं ये हिंदी नहीं इंग्लिश, ठीक है, एच नहीं पेपर नहीं टी, टी नहीं आई, टी और आई, टी पढ़ता हो लेकिन आई ना पढ़ता हो, तो ऐसे में हमारे लिए सारे फॉर्मूले यूज करना बड़ा टिपिकल हो जाता है। ऐसे केस में ये मेथड सबसे बेस्ट होता है। अब हम सारी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, नीचे से उल्टा पुट करते हुए, सी हमें 3 पता है, हमने सी की वैल्यू 6 में पुट की, तो क्या हुआ सी इज इक्वल टू 3 पुटिंग इन 6। जब 6 में पुट किया 3 तो एफ इज इक्वल टू 5। फिर 5th में पुट किया तो b इज इक्वल टू 8। देखिए यहाँ c को 3 पुट किया तो b इज इक्वल टू 8, यहाँ पुट किया c को 3 तो d इज इक्वल टू 6। 3 तो ये मिल गया हमें सीधा, हमने यहाँ लिख दिया 6 में पुट किया हमने 5th में और 4th में, तीनों में पुट कर दिया। अब हमें 4 वैल्यू मिल गई c d b c d f। अब हमने यहाँ पुट करना शुरू किया, देखिए यहाँ c, c की वैल्यू कितनी हुई पुटिंग इन 3rd, putting in third, C कितना हुआ 3, D कितना हुआ 6, F कितना हुआ 5, G नहीं पता, is equal to 26, 6, 3, 9, 5, 14, 14 plus G is equal to 26, यानी G is equal to 12, फिर यहाँ put करना शुरू किया, putting in second, second में B की value, B कितना हुआ 8, C कितना हुआ 3, E फाइंड आउट किया नहीं मिला अभी तक, और प्लस एफ कितना हुआ 5 और इज इक्वल टू 26, तो 8 3 11 11 5 16, यानी ई इज इक्वल टू 10। अब हमने बाकी वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट में बची हुई सारी, तो फर्स्ट में क्या मिला बी, बी की वैल्यू 8 प्लस सी, सी की वैल्यू 3 प्लस ई, ई का मतलब कितना हुआ 10 और प्लस एफ, सारी मिल चुकी है पहले बी सी ई एफ, बी भी मिल गया है, सी भी मिला, कौन नहीं ए, अरे ए छूट गया भाई, अच्छा फर्स्ट ये है, सॉरी 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 फर्स्ट ये है ऊपर वाला, हमने सेकंड में पुट कर दिया, थर्ड में पुट कर दिया है, फर्स्ट ऊपर वाली है ए बी सी डी वाली, तो ए एज इट इज प्लस बी, बी 8 प्लस सी 3 प्लस बी कितना 6 और इज इक्वल टू 25, 8 3 11 6 17 इज इक्वल टू 25 और ए इज इक्वल टू 8। इस तरीके से हमने ए से लेके और जी तक की सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। इतना काम तो क्वेश्चन पढ़ते ही कर देना है। अब पढ़ना है मेन क्या पूछता है, देखिए अब फर्स्ट पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज पेपर, कोई सा ना कोई सा जरूर पढ़ता हो, तो इसका मतलब इन तीनों में कहीं भी हो कोई सा ना कोई जरूर पढ़ता होगा, यानी सारों का सम, ए से लेके और जी तक का सबका सम। तो फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ पीपल रीडिंग एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ और प्लस जी। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ए कितना हुआ 8, बी कितना हुआ 8, सी कितना हुआ 3, डी कितना हुआ 6, ई कितना हुआ 10, एफ कितना हुआ 5 और जी कितना हुआ जी 12। सबका सम 8 8 16 3 19 6 25 और 10 35 40 52। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व। हालांकि आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे एन एच यूनियन टी यूनियन आई के फॉर्मूले से, वहां आपको आसान लगता है क्योंकि वहां हमें एक ही पार्ट सॉल्व करना होता, इसकी हेल्प से सारे सॉल्व होंगे।
सेकंड पार्ट नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज पेपर आ गया एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन का मतलब ये, क्योंकि ये ए इसलिए भी कॉमन नहीं है, ये ए वो नंबर है जो सिर्फ एच पढ़ते हैं, ई वो नंबर है जो सिर्फ ई को पढ़ते हैं, किसी में भी कॉमन नहीं है, और जी वो नंबर है जो सिर्फ आई पढ़ते हैं। तो ए ई और आई का टोटल। सेकंड पार्ट हु रीड एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन इज इक्वल टू ए प्लस ई और प्लस जी। ए का मतलब एट, ई ई का मतलब टेन, जी जी का मतलब ट्वेल्व, ट्वेल्व एट ट्वेंटी और थर्टी, यानी थर्टी ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वन पढ़ते हैं। दोनों में डिफरेंस है, एटलीस्ट वन का मतलब सारे और एग्जैक्टली वन का मतलब सिर्फ वो जो किसी में भी कॉमन नहीं है। दिस इज द वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग वेन डायग्राम नोट बाय द फॉर्मूला। सेम है क्वेश्चन नंबर 16। इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। इफ 14 पीपल लाइक ए एंड बी, 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, 14 लाइक बी एंड सी एंड 8 लाइक ऑल थ्री प्रोडक्ट्स, फाइंड द हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। देखिए फिर वही आ गया है। तो ऐसा नहीं आप फॉर्मूले से नहीं कर सकते, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए इस बार हम फॉर्मूले से करेंगे। अगर आपके पास तीन हैं, कोई भी तीन एलिमेंट हैं, सेट हैं ए बी सी, और आपको ओनली निकालना है, याद रखना, या तो ओनली ए या ओनली बी या ओनली सी। ओनली ए, तो ओनली ए का मतलब होता है जितने भी ए के एलिमेंट हैं वो, माइनस जहां जहां भी ए है वो कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी और तीनों का इंटरसेक्शन प्लस, ये फॉर्मूला यूज करना है। फिर दोबारा ध्यान से देखिए, अगर आपके पास तीन एलिमेंट है ए बी सी और आप किसी के लिए भी ओनली निकालना चाहते हैं ओनली ए, तो ओनली ए का मतलब क्या हुआ, देखिए जो हमने अभी वेन डायग्राम आया ना वहीं से आया, ये भी कहां से आया है, वेन डायग्राम से। हमें ये वाले निकालने हैं, ये वाले का मतलब इन सारों में से ये माइनस किया, ये माइनस किया, और इसमें क्योंकि तीनों का कॉमन है तो इसको प्लस किया, ये ध्यान रखना है, इस पूरे में से ये माइनस और इसको प्लस, तो एन ए यानी इस सारे में से ए इंटरसेक्शन बी ये माइनस, ए इंटरसेक्शन सी ये माइनस, क्योंकि दोनों के कॉमन पहले माइनस हो गए हैं और ये तीनों का कॉमन है इसमें ऑलरेडी है, तो ये प्लस, इसको प्लस करना है। जैसे अब हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे डायरेक्टली, देखिए ऐसे अगर हमें ओनली बी निकालना होता तो एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन ए और ये प्लस करना है हमेशा, ठीक है। ऐसी ओनली सी में एन सी माइनस, तो आपको अगर ओनली का फॉर्मूला याद रखना है तो आप यहां से डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। ऐसे जैसे ऊपर वाले में 15 में एग्जैक्टली वन पूछा था, तो एग्जैक्टली वन के केस में आप ओनली ए निकालते, ओनली बी, ओनली सी और तीनों को प्लस करते, फॉर्मूले से हो सकता था। फर्स्ट पार्ट डायरेक्टली ए यूनियन बी यूनियन सी के फॉर्मूले से, और सेकेंड पार्ट पहले ए पहले ओनली ए फिर ओनली बी फिर ओनली सी और फिर तीनों का प्लस, दैट वाज एग्जैक्टली वन, ठीक है। जैसे यहाँ करेंगे हम, इसने पूछा है हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो हम ओनली सी के लिए फॉर्मूला बनाएंगे ओनली सी। क्वेश्चन नंबर 16, ओनली सी इंप्लाइड एन सी माइनस जहां जहां सी कॉमन है, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन ए और तीनों का इंटरसेक्शन प्लस, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो एन सी यानी जो सी को पसंद करते हैं, कौन है सी को पसंद करने वाले, 29 माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी को पसंद करने वाले कौन कौन है, 14 सी और ए को कौन कौन पसंद करते हैं, 12 और प्लस तीनों को पसंद करने वाले 8, तो इज इक्वल टू 29 माइनस 26 प्लस 8, 3 प्लस 8 इम्प्लाइज 11। ये भी फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या आप वेन डायग्राम यूज कर सकते हैं, ठीक है।